नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए विषय लेकर के आया हूं आधुनिक ज्योतिष का, चंद्रमा के उपाय। इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा चंद्रमा ग्रह के बारे में। अगर कुंडली में निर्बली अवस्था के अंदर, नीच राशि के अंदर अगर चंद्रमा पड़ा है तो जातक को जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं मिलती हैं। चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है। मन ऐसे जातक का अस्थिर रहता है, कहीं भी कंसंट्रेशन व्यक्ति का नहीं बन पाता, एकाग्रता व्यक्ति के अंदर नहीं आ पाती। जीवन के अंदर जो भी कार्य करता है उसके अंदर अस्थिरता ही देखता है व्यक्ति को। जो पैसा होता है व्यक्ति का, पानी की तरह बहता है, टिकता नहीं पैसा। चंद्रमा अगर निर्बली अवस्था में हो कुंडली में तो जातक को अपमानता का शिकार होना पड़ता है अपनी वाणी की वजह से। वाणी के अंदर भी दोष देखा जा सकता है। मेन तो बात यही है कि मानसिक शांति व्यक्ति के जीवन में होती ही नहीं, अशांत रहता है हर समय, क्राउड के अंदर जाना महसूस नहीं करता, अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस ऐसे जातक के जीवन में बहुत ज्यादा होता है। तो इन सभी समस्याओं से कैसे निजात मिल पाएगा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे मानसिक शांति जीवन के अंदर आएगी, ऐसे ही छोटे छोटे से टिप्स। मां का कारक है चंद्रमा, मां का प्रेम पूर्ण रूप से व्यक्ति को नहीं मिल पाता, या ऐसे जातक से उसकी मां ज्यादा चिंतित होती है। माता को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं ऐसे जातक के होती हैं। तो क्या उपाय हमें चंद्रमा के करने चाहिए, बिल्कुल सरल शब्दों में अनुभव सिद्ध उपाय आपके सामने रखने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए ओम चंद्रमसे नमः। तो साथियों, विषय को शुरू कर लेते हैं। चंद्रमा के लिए चांदी का एक छोटा सा बर्तन सबसे पहले तो आपके घर में होना चाहिए। हर एक उपाय को करने के लिए छोटी सी लुटिया या कटोरी, कोई भी बर्तन आप चांदी का खरीद लीजिए, सामर्थ्य के अनुसार साइज उसका हो, और उससे आपने चंद्रमा को प्रतिदिन अर्घ्य देना है। चतुर्थी तिथि छोड़ करके, चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध होते हैं, प्रतिदिन रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना शुरू कीजिए। इस चांदी के बर्तन के अंदर थोड़ा सा गंगा जल, चावल, शुद्ध जल, थोड़ा सा दूध और एक बताशा, सफेद कलर का बताशा जो करियाने की पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा, खाने का बताशा होता है। अगर ना मिले तो चीनी या मिश्री का प्रयोग आप यहां कर सकते हैं। ये सारी सामग्री इस चांदी के बर्तन में डाल करके रात्रि में जब चंद्रोदय हो जाए तो चंद्रमा को आपने अर्घ्य देना है। मंत्र पढ़ सकते हैं ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का यथा सामर्थ्य आप जप भी कर सकते हैं प्रतिदिन, अगर चंद्रमा से ज्यादा ही समस्याएं आपको आ रही हैं। चांदी की एक डिब्बी ले आइए, ज्वेलरी शॉप से मिल जाएगी, चांदी की एक गोल डिब्बी आप ले आइए और उसके अंदर गंगा जल भर करके आपने अपने मंदिर के अंदर रखना है। गंगा जल भरिए, मंदिर के अंदर रख दीजिए, प्रतिदिन इस जल को सुबह आपने बदल देना है, पौधे में डाल दीजिए इस जल को, दूसरा जल भर करके रख दीजिए मंदिर में पुनः से। साथियों, सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई, चीनी इत्यादि, सफेद रंग की खाद्य सामग्री, सफेद सब्जियां, मूली इत्यादि आप दान करना शुरू कीजिए पूर्णिमा की रात्रि में। जिस दिन पूर्णिमा होती है, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पर होता है, उस रात्रि में आपने इन सामग्री का दान करना है यथा सामर्थ्य, कितना मर्जी जरूरतमंदों में कर सकते हैं, कन्याओं के अंदर कर सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष विशेष उपाय, ध्यान दीजिएगा, चार मुखी रुद्राक्ष बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा बाजार से। और त्रयोदशी तिथि जिस दिन होती है, हर महीने कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी आती है उस दिन शिवरात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि हर महीने आती है, तो त्रयोदशी तिथि को किसी भी योग्य ब्राह्मण से मिली, आचार्य से मिलिए, चार मुखी रुद्राक्ष उनसे अभिमंत्रित आप करवा लीजिए। हो सके तो शिवलिंग का रुद्राभिषेक आपने करवाना है। रुद्राष्टाध्यायी के आठों के आठ अध्यायों से आपने ब्राह्मण की देखरेख में शिवलिंग का अभिषेक करना है। दूध से
और ये जो चार मुखी रुद्राक्ष है उसे भी आप शिवलिंग के ऊपर स्थापित कर लीजिए और अभिषेक करवा करके सफेद धागे के अंदर डालकर आपने इसे अपने गले में धारण कर लेना है त्रयोदशी तिथि को ही। एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आपने ये रुद्राक्ष धारण करने के बाद नॉनवेज पूर्ण रूप से छोड़ देना है, मदरापान इत्यादि भी ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। सफेद चंदन का तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कीजिए, स्त्रियां ना लगाएं, पुरुष लगा सकते हैं। सफेद चंदन का प्रयोग आप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए, तिलक आपने प्रतिदिन लगाना है। ओम एं क्लीं सोमाय नमः, ओम एं क्लीं सोमाय नमः मंत्र नोट कर लीजिए। आपने इस मंत्र का प्रतिदिन जप करना है कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं। अगर जीवन के अंदर स्ट्रेस ज्यादा आ गया है तो ये उपाय जरूर कीजिए, प्रतिदिन चंद्रमा के इस मंत्र का जप करना शुरू कीजिए। एक और आपको मैं बीज मंत्र बता रहा हूं चंद्रमा का, ओम श्रांग श्रीं श्रोंग, ओम श्रांग श्रीं श्रोंग सह चंद्रमसे नमः, ओम श्रांग श्रीं श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। इस बीज मंत्र का जप पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पर होता है, आकार पूरा दिखता है चंद्रमा की, पूरी चांदनी से पूरा संसार पूरा जग रोशन होता है, उस रात्रि में अपनी छत पर बैठ करके एक आसन ले लीजिए सफेद रंग का, अधिक से अधिक जप कीजिए इस बीज मंत्र का, ओम श्रांग श्रीं श्रोंग सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जितना अधिक हो सके आप जप कर सकते हैं। सोमवार के दिन खीर बना करके, सोमवार के दिन दूध और चावल की खीर बना करके आपने बांटनी है, इसका भंडारा भी आप दे सकते हैं जरूरतमंदों के अंदर। सोमवार को सफेद वस्तुओं का अधिक से अधिक आप दान कीजिए, दूध का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, सामाजिक कार्य भी है सोमवार के दिन करना चाहिए इस कार्य को। रुद्राभिषेक भगवान शिव का, भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है अपने मस्तक पर, शिव की उपासना बहुत अच्छी बताई गई है चंद्रमा को सही करने के लिए, चंद्रमा को बलि करने के लिए। रुद्राभिषेक समय समय पर करवाते रहिए। और रुद्राभिषेक करवाना किस चीज से है, विशेष जानकारी ध्यान दीजिएगा। जब हम चावल पकाते हैं अपने घर में तो चावल में से सफेद पानी निकलता है, जब हम उसे बना लेते हैं उबालते हैं तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी रह जाता है उसे हम चावल का पीच भी बोलते हैं, स्थान भेद के हिसाब से अलग अलग नाम भी इसको दे दिया जाता है। इस चावल के पीच को ठंडा कर लीजिए और इस पानी से आपने शिवलिंग का अभिषेक करना है। इसके अंदर आप थोड़ा मीठा मिला सकते हैं, मिश्री या चीनी, थोड़ा दूध मिला सकते हैं, शुद्ध जल और गंगा जल इसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। पानी या दूध प्रतिदिन रात्रि में स्टील के किसी बर्तन के अंदर भर करके, स्टील का एक बर्तन लीजिए रात्रि में, उसके अंदर जल या दूध डाल लीजिए। रात्रि में अपने सिरहाने आपने रख लेना है, जब आप सोते हैं आपके सिर के पास ये रखा रहे। अगले दिन सुबह इस जल को आपने कीकर के वृक्ष के अंदर डाल देना है, कीकर का वृक्ष मिल जाता है सब जगह, कीकर के वृक्ष की जड़ में आप इस जल को डाल दीजिएगा। चांदी का एक टुकड़ा मार्केट से ले आइए पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन चांदी का एक टुकड़ा लेकर के उसको बीच में से दो भागों में विभक्त कर लीजिए, काट लीजिए उस चांदी के टुकड़े को बीच में से। एक चांदी का टुकड़ा आपने चलते जल के अंदर प्रवाहित कर देना है, जल के अंदर प्रवाह कर दिया, शाम के समय इस कार्य को करना है जब चंद्रोदय हो जाए। बचा हुआ आधा टुकड़ा जीवन पर्यंत अपने साथ रखें, अपने पर्स के अंदर वॉलेट के अंदर रख सकते हैं आप, आपके पास रहे जीवन पर्यंत। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में छठे स्थान के अंदर चंद्रमा विद्यमान है, किसी भी राशि के अंदर हो, लग्न कुंडली के अंदर छठे भाव के अंदर अगर चंद्रमा है तो दूध व पानी का दान आपने नहीं करना है, विशेष रूप से इस बात का आपने ध्यान रखना है। और साथियों
बारहवें भाव के अंदर अगर चंद्रमा विद्यमान है, लग्न कुंडली के अंदर किसी भी राशि में हो, बारहवें स्थान के अंदर हो, तो किसी भी धर्मात्मा को कभी भोजन आपने नहीं करवाना है। आप पैसे इत्यादि से उनकी मदद कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों का दान धर्मात्माओं को नहीं देना है आपने, किसी भी महात्मा को। चंद्रमा मां का कारक है साथियों, अपनी मां की सेवा आपने करनी है जीवन पर्यंत। मां के चरण स्पर्श प्रतिदिन आपने करने हैं। चंद्रमा का एक बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, जीवन में अनुभव भी किया है इस उपाय का मैंने, बहुत से लोगों को बताया, पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले। मानसिक स्थिति, मानसिक शांति व्यक्ति खो बैठता है जीवन में अगर चंद्रमा खराब हो तो। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, सोचते हैं एक ही विषय पर, बहुत ज्यादा सोचते हैं, रात्रि में सोने के बाद भी नींद में भी चलता ही रहता है कुछ ना कुछ विचारों के अंदर, तो आपको दिन में एक बार विचार शून्य जरूर होना चाहिए। इस दिमाग को अपने लिए भी समय देना चाहिए। दिमाग से हम काम लेते हैं 24 घंटे, परंतु इसे भी रिलैक्स चाहिए, टाइम चाहिए इसे भी स्वयं के लिए। तो साथियों, मेडिटेशन सबसे बड़ा उपाय मैंने अपने अनुभव में देखा कि चंद्रमा जिस व्यक्ति का खराब है, 10-15-20 दिन में जब मेडिटेशन का उसे आदत हो जाता है, अच्छे से मेडिटेशन करने लग जाता है, ध्यान लगाने लग जाता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है जीवन के अंदर से, चंद्रमा की परिस्थितियां सही हो जाती हैं। तो किसी ट्रेनर से आप मेडिटेशन इत्यादि सीख लीजिए और निरंतर मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। रात्रि के समय अगर आप मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। हवादार कमरे में या खुले आकाश के अंदर आप एकांत में आपने बैठना है। अपनी सांस को सुनिए, आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनना है आइज क्लोज करके, आपका ध्यान लगने लग जाएगा। स्वयं को अपने समक्ष खड़े हुए देखना है, आपकी आंखें बंद हैं, आपने ध्यान लगा रखा है, स्वयं को अपने समक्ष खड़े हुए आप देख रहे हैं, विचार शून्य हो जाएं, दिमाग के अंदर कोई भी ऐसी बात ना रहे आपके, अपने आप ही मन धीरे 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 शांत होना शुरू हो जाएगा। मानसिक परिस्थितियां, मानसिक शांति पाने के लिए जीवन के अंदर मित्रों का अहम योगदान होता है। अच्छे मित्र बनाइए, मित्रों के बीच में बैठना शुरू कीजिए, क्योंकि अवसाद में चला जाता है वो व्यक्ति, अकेला रहना पसंद करता है, बंद कमरे में रहना पसंद करता है वो व्यक्ति जिसका चंद्रमा सही स्थिति में ना हो। मित्रों के बीच में, समाज के बीच में और सामाजिक कार्यों के अंदर योगदान अपना दीजिए, अपना समय दीजिए, लोगों के बीच में रहिए। आशा नहीं साथियों, पूर्ण विश्वास है कि जानकारी आपको ये अच्छी लगी होगी और जो उपाय भी आपको बताए हैं, अनुभव किया है, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तभी आपके सामने विषय मैंने ये रखा है। तो बहुत जल्दी और उपाय लेकर के आएंगे आधुनिक ज्योतिष की सीरीज में ही। और फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। अपने यूट्यूब चैनल हिंदू ज्योतिष पर हम लाइव आते हैं, आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं निःशुल्क बिल्कुल। और फ़ोन पर अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, पेड कंसल्टेंसी होगी। व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट हो जाइए और अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा लीजिए। धन्यवाद।